पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड को लेकर पंजाब पुलिस लगातार लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पंजाब लाना चाहती थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की ओर से कोर्ट में पिटीशन डाली गई, जिसको लेकर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ये वो गैंगस्टर का ग्रुप है जिसने सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड मामले को लेकर पूरी जिम्मेदारी ली थी कि उनके ही गैंग की ओर से ये हत्या की गई है। ये बदला लिया गया है विटकी मिड्डू खेड़ा का, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सिद्धू का कत्ल किया गया। इस चीज को लेकर, सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड को लेकर पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ली गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर गोल्डी बरार की ओर से ली गई थी, जिसके बाद से पंजाब पुलिस पूछताछ करना चाहती थी, प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब लेकर आना चाहती थी, जिसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने किया। लेकिन आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई को आज बड़ा झटका दिया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया और किसी भी वक्त पंजाब पुलिस पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आ सकती है। इस वक्त की अहम जानकारी।